मैजिकल बाइक ट्री। एक गांव में एक चोर रहता था। एक बार वो चोर साइकिल पर जा रहा था तो एक घर के सामने बाइक को देखकर, मजा रे मजा, बाइक क्या मस्त है, छी ये खटारे साइकिल पे और कितने दिन फिरूंगा, आज रात इसे किसी भी तरह चोरी करना पड़ेगा, सोचा। और उस रात वो बाइक को चोरी करके उसे स्टार्ट करते ही ऐसे आवाज आने लगी, चोर डर के मारे उस बाइक को तेजी से चलाने लगा। इतने में पुलिस उसका पीछा करने लगी। चोर जंगल के रास्ते चलकर इस बाइक को कहीं छुपाना होगा, यूं सोचकर एक बड़ा सा खड्डा खोदकर उस बाइक को उसके अंदर छुपाया। इतने में पुलिस वहां पर आई। क्यों रे, इतने रात यहां पर क्या कर रहे हो? मैं यूं ही चल रहा था सर, कोई बाइक तेजी से चलाते हुए समुंदर का रास्ता पोछने लगा, मुझे पता नहीं, चले जाओ कहकर मैंने उसे भिजा दिया सर। तुम उस चोर को पहचान सकते हो क्या? उसका चेहरा मैंने पूरी तरह नहीं देखी सर, अंधेरे में ठीक से नहीं दिखाई दिया। कांस्टेबल, इसे जीप चढ़ाओ, चोर को देखने वाला पहला गवाह है ये, सच बोलने तक इसे मत छोड़िए, कहकर उस चोर को अरेस्ट किए। थोड़े साल बाद उस चोर को पुलिस वाले, रे कम से कम अब से तो भी ईमानदारी से जियो, बेकार के काम छोड़ दो, समझ आया क्या, कहकर उस चोर को छोड़ दिए। उस शाम चोर एक पेड़ के नीचे बैठकर, अब से मैं ईमानदारी से जीऊंगा, कोई व्यापार शुरू करूंगा, यूं सोचकर उस चुराए हुए बाइक को लौटाने के लिए उस जगह पर गया। चोर उस जगह पर जाकर देखा कि वहाँ एक मैजिकल बाइक ट्रिक को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। बाप रे, ये क्या पेड़ पर बाइक उग रहा है, ये सपना है या सच, सोचकर यहाँ वहाँ देखने लगा। भगवान मुझ पर दया करके मुझे व्यापार करने के लिए ऐसे किए शायद, सोचकर पेड़ के ऊपर से एक बाइक को लेकर उसने जहाँ चोरी किया था वहीं उस बाइक को छोड़कर आया। अगले दिन एक छोटा सा शेड भाड़े में लेकर बाइक बेचने लगा। ऐसे माया बाइक पेड़ के मदद से वो चोर धनवान बन गया। थोड़े दिन के बाद वो चोर गरीबों को अन्नदान करते हुए खुशी से जीने लगा। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक मटन का व्यापारी था। एक दिन जब मोहन वहां मटन बेच रहा था तब वहां एक गांव वाला आकर मोहन से, मोहन एक केजी मटन कितने में दिया? एक केजी मटन का 300 रुपए होगा, दूं क्या? क्यों 300 रुपए एक केजी के? मुझे नहीं चाहिए बाबा। हाँ हाँ दाम बहुत बढ़ गए हैं साहब। ठीक है मैं चिकन खरीद लूंगा, मटन वटन कुछ नहीं चाहिए, कहकर वहां से निकल जाता है। वैसे मोहन के ज्यादा दाम बताने की वजह से सिर्फ पैसे वाले ही मटन खरीद पा रहे थे, बाकी के लोग वहां बिना खरीदे चले गए। आज बहुत कम ग्राहकों ने मटन खरीदा, अगर मैं भी चिकन की तरह कम दाम में बेचने लगूं तो मेरा भी बहुत नुकसान होगा ना, इसके बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और तुरंत उसको एक विचार आता है। अगले दिन सुबह एक टायर का पंप लेकर मटन में हवा भरने लगता है और उसको अपने दुकान में लटकाता है। हवा भरने के कारण मटन का आकार बहुत बड़ा दिखने लगता है। आइए आइए जल्दी आइए, बहुत कम दाम में बढ़िया मटन बेच रहे हैं, कहकर चिल्लाता है। ये सुनकर बहुत लोग मोहन के पास आते हैं। क्या भाई मटन कितने में दे रहे हो? केजी का 100 रुपए है साहब। क्या सिर्फ 100 रुपए? कहकर चौंक जाता है। वैसे वहाँ के गांव वाले 10 केजी का मटन सिर्फ 500 रुपए में दे रहा है ये, अब ये 2-3 केजी क्यों ले, कहकर पूरी बकरी खरीदने लगते हैं। वैसे मोहन गांव वालों को बिना शक पहुंचाए उनको धोखा दे रहा था। एक दिन गांव में एक महिला, देखो मोहन तुम जो कर रहे हो वो मुझे पता है, मैंने अपने आंखों से तुम्हें बकरी को मारकर उसमें हवा भरते हुए देखा है, तुम अगर ये सब नहीं रोकोगे तो बहुत बुरा होगा, लालच से कमाया हुआ ये पैसा नहीं टिकेगा। मोहन गुस्से में, ये सब मुझे पता है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, कहकर उसको धमकाता है। जाती हूँ किसी ना किसी दिन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा, कहकर वहाँ से निकल जाती है। वैसे थोड़े दिन गुजरते हैं। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने मोहन को बकरी को मार के उसमें हवा भरते हुए देख लिया। वो बुजुर्ग मोहन के पास बेखबर होने का नाटक करते हुए, मोहन मुझे एक बकरी दे दो। अरे बिल्कुल साहब क्यों नहीं, कहते हुए मटन को तराजू पे रखता है। 10 केजी हुए हैं साहब, 500 रुपए होंगे। बस
इतना ही हुआ? अरे और थोड़ा हवा भर देते और 10 केजी बढ़ जाता, कहता है। ये सुनकर मोहन बहुत डर जाता है। मुझे बिल्कुल पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी पूरी साजिश के बारे में मुझे पता है, कहकर वहाँ के सभी गांव वालों को पूरी कहानी समझाता है। ये सुनकर गांव वाले मोहन को खूब पीटते हैं। उसके बाद मोहन अपने मटन की दुकान को बंद कर देता है और घर पे बैठा रहता है। बांसवाड़ा नाम का एक गांव है, उसमें विजय नाम का व्यक्ति ट्रक ऑटो चलाता था। उसे वही गांव में रहने वाली कीर्ति बहुत पसंद थी। एक दिन कीर्ति और उसका भाई विकी दोनों मिलकर आ रहे थे। अब विजय के पास आए। कीर्ति से विजय, कीर्ति मैं कब से तुम्हें ये बात बोलना चाहता था, मैं तुम्हें देखूं बस प्यार में डूब जाता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हें ऐतराज तो नहीं है ना? वो सुनकर कीर्ति का भाई विकी, ये भी आपकी जैसी है इसलिए नहीं चलेगा, जाकर पापा से ही बात करो, शायद वर्कआउट हो जाएगा। उसके लिए विजय, ठीक है विकी थैंक्स। ये सब वही मौजूद परेश ने सुना। अब मन में परेश, एक ट्रक ऑटो चलाने वाला तुम जैसे इंसान को गांव से सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए, देखते रहो तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगा, सोचा। तब परेश अपने कार में कीर्ति के घर आया। घर से कीर्ति के पिता का आदमी सिंथल बाहर आया। अब उनका आदमी सिंथल, हाय दिस इज सिंथल, पहलवान राम सिंह इज कमिंग, एवरीवन स्टे स्टडी एंड स्टिफ, कीप योर बॉडी टाइट, यूं जोर से चिल्लाया। अरे वो सिंथिया, यहाँ मैं अकेला तो हूँ, ऐसे कह रहे हो कि 100 लोगों को सुना रहे हो और वो भी इंग्लिश में झाड़ रहे हो। ओहो, लगता है इनकी जुबान बहुत चलती है, देखता हूँ फिर ऐसे रिपीट किया तो मेरे बुलेट तेरे मुंह में जाएगा, कहा अपने हाथों में गन दिखाते हुए। अब राम सिंह आकर कुर्सी पर बैठा। अभी राम सिंह, बोलो परेश कैसे इस तरफ आना हुआ, कोई विशेष बात? कुछ नहीं अंकल, कल गांव से आया तो आपकी बेटी को देखा तो बहुत अच्छी लगने लगी है, एकदम आलिया भट्ट की बहन कहेंगे तो लोग मान लेंगे। खैर तुम्हारी बेटी को देखकर शादी किया तो 1 साल के अंदर मल्लिका शरावत या हिमेश रेशमिया जैसे बच्चों को पैदा करके तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ओहो, लगता है ये बाबू को बहुत जल्दबाजी है, तभी सुहागरात और बच्चों तक तो चले गए। तब वहाँ विजय कीर्ति विकी ट्रक ऑटो में आए। तब विजय राम सिंह के पास आकर, नमस्ते राम सिंह पहलवान जी, मेरा नाम विजय है, आपकी बेटी कीर्ति से मुझे बहुत प्यार है, उसे भी मेरा प्यार का इजहार किया हूँ, लेकिन वो आपसे पूछने को बोली है। वो बातें सुनकर राम सिंह, अरे अरे बहुत दुविधा हो गई है, तुम दोनों मेरी बेटी की हाथ मांग रहे हैं, एक से नहीं करवाऊं तो दूसरे को तकलीफ होगी, ठीक है एक काम करते हैं, परेश के कार में और विजय के ट्रक में एक रेस रखते हैं, उनमें से जो भी जीतेगा उसे मेरी बेटी को दे दूंगा। तब वहाँ मौजूद सिंथल से कीर्ति का भाई, चाचा जी दीदी को विजय ही पसंद है तो आप ही कुछ कीजिए। तो वह बातें सुनकर सिंथल, पहलवान जी प्रतियोगिता यानी सब एक समान होना चाहिए, तो विजय को एक वुडन ट्रक और परेश को एक वुडन कार बना के देते हैं, एक दिन में जो भी ज्यादा कमाएगा हमारी बेटी को उनके हाथ में सौंप देंगे। उसके लिए राम सिंह, ठीक है सिंथल सही आइडिया है वैसे ही करेंगे। प्रतियोगिता के लिए विजय परेश ने भी हां किया। अब विजय से परेश, अरे विजय वो लोहा हो या लकड़ी का ट्रक मेरे रेस कार के आगे आउट हो जाएगा, देख लेना, सोचकर वहां से निकल गया। अब रात हो गई, विजय के पास कीर्ति विकी आए। किसी भी तरह तुम्हें ही जीतना होगा विजय। तुम घबराओ मत, मेरे पास मेरा प्लान है। अगले दिन विजय अपने ट्रक के ऊपर रंग बिरंगे गैस बलून्स लगाकर उन्हें बेचने रखा था। अब परेश अपने वुडन कार को लेकर वहां आया। अब विजय को देखकर परेश, क्यों भाई गुब्बारे का दुकान रखे हो, तुम्हारे बैलून्स कौन खरीदेगा और कब खरीदेंगे, तुम्हें 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। मुझे 1 रुपए मिले तो काफी है, मैं ही जीतूंगा। बाप रे देखते हैं। फिर परेश की बातों की फिक्र ना करते हुए विजय, आओ भाई आओ, अच्छे गैस बैलून्स एक के साथ एक मुफ्त देंगे, एक बैलून सिर्फ 1 ही रुपए, आओ आओ। वो बातें सुन के एक विजय के पास आकर, भैया 1 रुपए के गुब्बारे देना। तब विजय पैसे लेकर उसे बलून्स दिया। वो देकर परेश मन में, बाप रे वो फ्री बोला तो लोग भर भर के आएंगे, हम भी कुछ देकर फ्री कहेंगे तो लोग हमारे पास भी आएंगे, अब कुछ भी करूं ये विजय को मुझसे ज्यादा कमाना नहीं दूंगा, सोचकर।
आओ भाई आओ, एक बैठेंगे तो दूसरा फ्री, पूरा गांव में घुमाऊंगा। आओ भाई आओ। अब वो सुनकर लोग परेश के पास आए, वो देखकर विजय, आओ भाई आओ, एक खरीदने से पांच फ्री। अरे विजय, जितना भी प्लान बना लो, जीत तो मेरी ही होगी। आओ भाई आओ, एक चढ़ो तो छह लोगों को फ्री। वो सुनकर लोगों में से एक, रे आओ रे, एक टिकट खरीदने से छह लोगों को मुफ्त में ले जा रहे। बस वहाँ मौजूद सारे लोग एक ही क्षण में आए और वुडन कार पर बैठ गए। बस उनके इतने वजन को संभाल नहीं पाने से वो वुडन कार टुकड़े टुकड़े में हो गई। यूं टूट जाने से परेशान दंग रह गया वो देखकर लोगों में से एक, ये तो खटारे कार लेकर आकर बहुत बिल्डअप दे रहा है और ऊपर से बोल रहा है सबके लिए फ्री है, कहकर चला गया। अब परेश के पास आकर विजय, अरे वो गधे, वुडन कार इतनी भार नहीं उठा पाएगी, ये बात नहीं समझे क्या? इसलिए मैंने बेलून्स को बेचा, पहले ही कहा था ना मैं तुम्हें एक रुपए में हरा दूंगा। वहाँ आकर राम सिंह, शाबाश दामाद, ये है दम की बात, ये लो आज से मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। विजय ने कीर्ति का हाथ थाम लिया